दोस्तों, सो फाइनली हमारा पूरा काम हो चुका है। अब आपको हम पूरी वीडियो में दिखाते हैं कि कैसे हमने स्टील की रेलिंग का काम करा है। अब देखिए, पूरा आप इस वीडियो के बारे में, रेलिंग के बारे में आपको सही तरीके से हम आपको बताते हैं कि कैसे करके हमने इसका काम करा है और कितना खर्चा आता है, कौन सा मटेरियल लगता है, कैसे सुराख करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मेरी मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट, ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है कर दो आज। दोस्तों, आपका हमारे चैनल रजा स्टील फैब्रिकेशन में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुकिंग आ रही है इस रेलिंग में लगने में। अब देखिए दोस्तों, ये हमने पाइप जो लगाया है 1.5 इंची चौकोर पाइप लगाया है दोस्तों इसमें। ये आप देखिए, आधा वही एक का हमने पाइप लगाया है और ये हमने इसमें एक एक टांके वगैरह लगा रखे हैं बढ़िया करके। आप वेल्डिंग वगैरह भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पूरी प्रॉपर सही तरीके से वेल्डिंग करी है। आप बॉल देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने बॉल वगैरह लगाई है। आप कभी भी स्टील का काम करें तो थोड़ा फिनिशिंग का थोड़ा ध्यान दें, ऐसा रहता है। अगर आपकी रेलिंग में फिनिशिंग वगैरह अगर नहीं रहेगी तो फिर काम कराने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। आप देखिए कितनी अच्छी चमक आ रही है। आप जब हमने मटेरियल दोस्तों यूज़ किया इसमें JSL रामसन। दोस्तों, जब हमने इसमें बाडी कल जो लगाया है 1.5 इंची स्क्वायर पाइप लगाया है और इसमें 4 इंची की पिन लगती है। इसको 4 इंची का पाइप हम काट के इसको लगा देते हैं, बाकी यहाँ पर बढ़िया करके वेल्डिंग मार देते हैं। आपको जोड़ ओड़ वगैरह कुछ नहीं दिखता हुआ, आप देखिए कितनी फिनिशिंग से। और जो हमने इसके अंदर जो सुराख करे हैं, आप देखिए इसके अंदर सुराख करनी है और बाकी ग्रोट भर देते हैं इसके अंदर बढ़िया करके। आप हर उसमें देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ग्रोट भर दिया हमने। इससे क्या रहता है, एक तो रेलिंग हिलती भी नहीं है, आप हिला के भी देख सकते हैं रेलिंग हिलेगी नहीं कभी जरासरी भी। और मास्टर पिलर वगैरह जो रहता है हम प्लेन लगा देते हैं चकोर। कस्टमर की जो डिमांड थी हमें चकोर पिलर लगाना, सादा पिलर लगाना, तो हमने इसमें सादा लगा दिया। अब ये देखिए, आपको पूरा दिखाना भी यहाँ का। आप ये 1.5 इंची का चौकोर पाइप है, ये 3 इंची मास्टर पिलर है, इसके ऊपर एक बॉल लगा दी जाती है। असल में क्या रहता है, कुछ लोग क्या करते हैं जैसे कि यहाँ पर चादर वगैरह नहीं लगाते हैं, तो चादर जो होती है अगर वैसे ही कटोरी टाइप की जो आती है उसको अगर आप लगा देंगे तो उससे जो होता है हाथ हाथ कटने का थोड़ा डर रहता है। हम बॉल को इस तरीके से लगा देते हैं, चादर लगा देते हैं यहाँ पर, उसमें बेस रहती है इसको लगा देते हैं तो अच्छा लगता है इसमें और देखने में भी बड़ी अच्छी लुकिंग आती है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा लुक आ रहा है इसमें रेलिंग में। आप देखिए इसको हम जो रेलिंग लगाते हैं वो अब सब बताते हैं आपको कैसे कैसे करके हम लोग रेलिंग लगाते हैं। आप चमक भी चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है और चमक वगैरह भी पैप में अच्छी खासी है। अगर आप स्टील का माल लगाएं तो जिंदल 202 या 304 जो भी लगाएं आप, तो क्वालिटी थोड़ी अच्छी देखें, पैप में फिनिशिंग वगैरह रहना चाहिए और चमक भी होना चाहिए पैप के अंदर। देखिए इस पैप में कितनी चमक है, आईने की तरह है, जैसे आपको आईना दिखता होगा सेम वैसे ही। अगर ये हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का माल है और जो हमने इसको रेलिंग लगाई है सारे हॉल करे हैं, हॉल करके इसमें और चादर को जो पत्थर रहता है हम इस पत्थर को टेल वाले ब्लेड से काट लेते हैं बढ़िया करके, सारे स्टेप बाय स्टेप सारे को काट के निशान लगा के ऐसे ही मास्टर पिलर का जो रहता है इसको भी हम ऐसे ही काटते हैं। ये देखिए आपको दिखता होगा टैल वाले ब्लेड से काट रखा है, वो निशान दिख रहा है जो, और फिर टैल वाले काट उससे काट के और इसको भर देते हैं बढ़िया करके। पंच वगैरह जो रहती है स्टील का पाइप ठोक के लगा देते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें लकड़ी वगैरह ठोक देते हैं, तो लकड़ी से जो होती है लकड़ी पानी भरने के बाद तो वो गल जाती है, फिर से रेलिंग जो होती है हिलने लगती है। हमारी जो रेलिंग लगाते हैं हम इस तरीके से कोई भी रेलिंग हमारी ना हिलती है ना कभी कोई दिक्कत आती है इसमें। आप देखिए, कभी भी आप रेलिंग वगैरह काम कराना चाहते हैं तो हमसे एक बार संपर्क जरूर कर सकते हैं। अगर मैं आपको कॉस्ट की बात करूं तो इस रेलिंग में हमारी कुछ जो है
कुछ इतनी रेलिंग लगा के, इस रेलिंग जे लगा के हमारा और ऊपर वाली रेलिंग लगा के दोनों सीढ़ियों की, तो कॉस्ट करीब हमारा 40,200 कुछ रुपए की रेलिंग हो रही है। रनिंग फुट के हिसाब से आप अगर बात करते हैं तो रनिंग फुट के हिसाब से रेलिंग बैठेगी आपकी 650 रुपये रनिंग फुट 18 गेज के माल में। अगर आप किलो में लगाना चाहते हैं तो 320 रुपये केजी के हिसाब से आपको पड़ेगा। मार्केट में किसी से भी आप काम करवाना चाहते हैं आप या काम करते हैं तो मार्केट में जो रेट चल रहा है इस समय 320 रुपये केजी के हिसाब से होता है 202 ग्रेड में। अगर आप 304 का माल लगाएंगे तो 460 रुपये किलो पड़ेगा आपको और 202 का 320 रुपये किलो के हिसाब से पड़ेगा। इसकी पूरी कॉस्ट की बात करें 40,200 कुछ रुपये की आई है हमारी। और जो हमने रामसन का पैप लगाया है, रामसन कंपनी का पैप लगाया है, वर्टिकल हैं वो भी हमने रामसन के ही लगाए हैं। ये रामसन मार्केट में आजकल आता है हमारी तरफ, ये देखिए आप रामसन जिंदल स्टेनलेस SSJSL जिंदल स्टील लिमिटेड, जिसका ग्रेड होता है JT, ये बाकी जिसका PT नंबर जो है, जो आप इसको गूगल वगैरह पे भी चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या क्वालिटी बढ़ी है, इस माल में कितनी निकल है, कितना क्रोमियम है, कितना क्या है इसके अंदर, वो आप सब चेक कर सकते हैं। आप कभी भी रेलिंग लगाना चाहते हैं तो एक बार हम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी दुकान है रजा स्टील फैब्रिकेशन के नाम से, मेरा नाम है शोएब रजा। आप कभी भी स्टील वर्क का काम कराना चाहते हैं तो एक बार मुझसे संपर्क जरूर करें।